नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, बिहार के पूर्व डीजीपी आरएस भट्टी जो हैं वो बिहार छोड़ चुके हैं, पद उन्होंने छोड़ दिया है। और अब उस रिक्त पद को भरने के लिए बिहार सरकार को एक नई जिम्मेदारी मिली है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम इस रेस में चल रहा है, मतलब बिहार के जो नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो सकते हैं। तीन नामों पर खासा चर्चा है, उन तीनों नामों के बारे में आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आरएस भट्टी जो है वो करीब 2 साल तक इस सर्विस में रहे बिहार के डीजीपी के तौर पर। काफी कड़क पुलिस अधिकारी माने जाते थे, लेकिन बिहार में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमराई हुई है। तेजस्वी यादव रोज नए नए ट्वीट कर रहे हैं, बिहार में अपराधों को गिना रहे हैं, और कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती जो है वो नीतीश कुमार के लिए बन चुकी है। तो अब जो नए डीजीपी होंगे बिहार के, उनके कंधे पर एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हो मिल सकती है, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना, सही करना कई मायनों में जरूरी है। एक तो आम जनजीवन को व्यवस्थित करने के लिए, दूसरा विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है और विपक्ष पूरी तरीके से इसे लेकर हमलावर है। चलिए अब बात करते हैं उन तीन नामों पर जिन पर खासा चर्चा है कि ये तीन नाम बिहार के अगले डीजीपी बन सकते हैं। देखिए, आलोक राज ये पहला नाम है, दूसरा नाम जो है वो शोभा अहोतकर का है, और तीसरा नाम विनय कुमार जो है इनका लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन तीनों के ऊपर सरकार जो है वो विचार विमर्श कर रही है कि कौन अगला बिहार का डीजीपी बनेगा। आरएस भट्टी की विदाई हो चुकी है। जी हां, आरएस भट्टी ने 20 दिसंबर 2022 को बिहार के डीजीपी का पदभार संभाला था। 90 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं और सितंबर 2025 तक इस पद पर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार को में सेवा देने का फैसला किया और बिहार सरकार ने इसके लिए उन्हें अनुमति दे भी दी। जी हां, मतलब बिहार छोड़ने के लिए खुद आरएस भट्टी जो है वो ज्यादा उत्सुक दिखे और बिहार सरकार ने उन्हें यहां से फ्री कर दिया और अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। कल शाम ही ये खबर आई। अब उन नामों पर चर्चा कर लेते हैं जिसके बारे में हमने बताया। आलोक राज, सबसे पहले आलोक राज की चर्चा हम करते हैं। कौन है आलोक राज? पुलिस विभाग के ही है। आपको बताएं कि आलोक राज जो है वो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और पिछली बार भी जब डीजीपी पद के लिए नामों पर विचार चल रहा था तब भी आलोक राज जो है उनको रेस में शामिल किया गया था। हालांकि उस समय बिहार के बाहर कि किसी अधिकारी को नियुक्ति करने का फैसला हुआ और आरएस भट्टी को बीएसएफ से लाकर डीजीपी बना दिया गया। तो आपको याद होगा जो पिछले बार जब आरएस भट्टी को डीजीपी बनाया गया उस समय ही आलोक राज के नाम की चर्चा थी, लेकिन इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि सबसे पहला नाम जो आगे है रेस में वो आलोक राज का है। अब दूसरा नाम शोभा अहोतकर विवादित नाम भी रहा है, जिस तरीके का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले आईपीएस विकास वैभव ने इनको लेकर जो ट्वीट किया, जो उनको प्रताड़ना मिल रही थी शोभा अहोतकर की तरफ से, ये डीजी थी, उसकी भी चर्चा पूरे बिहार में हुई। तो अब शोभा अहोतकर के बारे में जान लीजिए। देखिए, शोभा अहोतकर जो है वो 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में बिहार होमगार्ड और फायर ब्रिगेड की डीजी हैं। अपने कड़क मिजाज के चलते वे एक जानी जाती हैं और डीजीपी पद के लिए एक बेहद मजबूत प्रत्याशी के तौर पर, देखिए प्रत्याशी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो पद जो है डीजीपी का उस पर शोभा अहोतकर की भी दावेदारी बताई जा रही है, क्योंकि सरकार जो है वो उनके नाम पर भी विचार विमर्श कर रही है। हालांकि काफी विवादित छवि है शोभा अहोतकर का, बावजूद इसके शोभा अहोतकर को लेकर सरकार विचार जरूर कर रही है। अब तीसरा नाम जो है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। विनय कुमार पुलिस विभाग के ही हैं और 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी के पद पर तैनात हैं। आपको बताएं कि इससे पहले वे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग पास किया था और 91 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं, मतलब 91 में इन्होंने यूपीएससी निकालकर पुलिस ज्वाइन किया था। तो इन तीन नामों पर खासा चर्चा है। अब नीतीश कुमार जो गृह विभाग है बिहार सरकार का, चूंकि वो विभाग नीतीश कुमार के पास है, तो उनको फैसला करना है कि कौन बिहार का अगला डीजीपी बनेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।